आज है 13 अप्रैल और बहुत ही अच्छा दिन है। 13 अप्रैल को बैसाखी भी होती है, बैसाखी, और 13 अप्रैल को मेरे फादर का भी जन्मदिन होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैं काफ़ी छोटा था, उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड देन ही टाइम। सो बट 13 अप्रैल जो है वो बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज मेरे फादर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और उसमें से एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई है कि यू शुड ऑलवेज लिव लेस देन योर मीन्स एंड दिस इज द रेसिपी फॉर द सक्सेस इन योर लाइफ। तो पिछले कुछ सालों से, आई थिंक 5-6 साल से, 7 साल से आई बिलीव, मैं हर साल जो है 13 अप्रैल को कुछ चैरिटी करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कुछ भंडारा हो गया या फिर कोई ऑर्फनेज में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना हो गया या इस टाइप के छोटे छोटे स्टेप्स। सो बट इस बार क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड कोविड रिस्ट्रिक्शंस आर देयर एट प्लेस, सो आई विल नॉट एबल टू यू नो डू वट एवर आई हैव प्लान्ड फॉर द डे। बट आज कुछ नया करने जा रहा हूँ और नया इन द सेंस हमने सोचा कि आज क्यों ना हम एशिया की सबसे बड़ी गौशाला जाएं और वहाँ पे जो है गायों को कुछ चारा खिलाते हैं और थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें करते हैं। अब देखा जाए तो रोड ट्रिप तो कैसे भी हो सकती है, तो ये भी एक रोड ट्रिप है क्योंकि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर दूर होगा और उसके बाद हम जो हैं अच्छी जगह कहीं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो आज मैं जो है अपनी सेंट्रो लेके गया हूँ। वैसे आई हैव 3 कार्स, वन इज़ पजेरो एंड अनदर वन इज़ होंडा सिटी, बट मुझे सबसे प्यारी जो है मेरी प्यारी सेंट्रो लगती है क्योंकि इसे कहीं भी पार्क कर दो, कहीं भी छोड़ के चले जाओ। एक बार तो मैं इसे एयरपोर्ट पे ही छोड़ के चला गया था, वो स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा। तो मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं और आई एम वेटिंग फॉर अंशुमन एंड मनिका टू कम सो दैट वी कैन ड्राइव टू दैट पर्टिकुलर गौशाला एंड देन थोड़े से शॉट्स वहां के भी डाल देता हूं। तो आज का दिन देखते हैं कैसे जाता है। बाकी अगर आपको पार्किंग में मेरी गाड़ी देखनी है तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये रही मेरी दोनों गाड़ियां, वो पजेरो है और वहाँ होंडा सिटी, और ये करिश्मा भी मेरी है। आजकल इसे हेलीकॉप्टर बना के पार्किंग की बड़ी दिक्कत है दिल्ली में, घेरनी पड़ती है। तो जो है ये करिश्मा की भी बहुत ही स्टोरी है। कुल 10,000 किलोमीटर चली है और चली भी सिर्फ पहाड़ों पे है। इसका भी पुरानी लैपटॉप में वीडियोस देख के मैं ड्राइव से निकाल के कहीं से ढूंढ ढांड के डालूंगा। हिमालयन एक्सप्लोरर्स राइड करी थी मैंने इस बाइक पे काफ़ी सारी, और अब यूजुअली दिल्ली में तो मैं सेंट्रो ही चलाता हूँ और जब होंडा भी चला ही लेता हूँ यार इधर उधर, बट मेरी फैमिली को तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो है सेंट्रो, सच बताऊँ। बट ये है कि बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट लेवल द कार हैज़, तो मैं अपनी सेंट्रो से ही ज़्यादा कम्यूट करता हूँ दिल्ली में। तो जी थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली पे हम ड्राइव कर रहे हैं, दोनों साइड खेत हैं और अप्रॉक्सीमेटली ये तो 28 किलोमीटर दूर दिखा रहा है गूगल हमारे घर से, तो देखते हैं पहुंचने के बाद। ये आ गई जी लेफ्ट साइड में जो है ये गौशाला ही चल रही है। तो जी गौशाला के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़ी है जी। भाई कैंटीन कहाँ है? अच्छा तो जी ये चारे की गाड़ी भर रही है।
गाय को खिलाने के लिए। ये गऊ हैं, बहुत बड़ा फार्म है। ये मनिका इज फीडिंग, अंशुमन इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। अंशु यू कैन ऑल्सो टच अंशु। गौशाला में तो हम खिला आए हैं, अब अपनी पेट पूजा भी कर लें तो कहीं जाके बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 11:30 नाउ और हम इस बार कंजावला वाले रोड से वापस जा रहे हैं, बट ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। अब यही डिस्कशन हो रही है कि नाश्ता कहाँ करेंगे, नाश्ता करने के बाद घर जाएंगे और उसके बाद ये वीडियो अपलोड करते हैं।